हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं परिमित गहराई के विभव कूप में कण, मतलब पार्टिकल इन 1D फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल। इससे पहले अपन अपरिमित गहराई के विभव कूप में कण की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, उसके लिए आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाल चुके हैं। अभी अपना जो पार्टिकल होगा वो परिमित गहराई के विभव कूप में होगा, मतलब पोटेंशियल वेल जो होगा वो फाइनाइट डेप्थ का होगा, इनफाइनाइट डेप्थ का नहीं होगा। इनफाइनाइट और फाइनाइट डेप्थ जो दो प्रॉब्लम है, एक बार अपने को पार्टिकल का बिहेव चेक करना है इनफाइनाइट डेप्थ वेल के अंदर और एक बार फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल के अंदर। तो आज अपन पार्टिकल इन 1D फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन एम मास का एक पार्टिकल है वो कंसिडर करेंगे। तो आप नोट करो, इसमें लिखो, माना एम द्रव्यमान का एक कण परिमित गहराई के विभव कूप में गतिशील है। परिमित गहराई के विभव कूप में गतिशील है। लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इनसाइड फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल। तो कुछ इस टाइप का अपने पास पोटेंशियल वेल है, विभव कूप है। अब इनफाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल के अंदर क्या होता है कि दीवार जो होते हैं वो इनफाइनाइट हाइट की होती है और ये फाइनाइट हाइट की होगी। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से। यहां पर इसकी बाउंड्री होगी -A2 + A और इस पोटेंशियल वेल की जो डेप्थ होगी वो होगी अपने पास -V0। अब M मास का एक पार्टिकल है वो इसके अंदर कन्फाइंड है, एम मास का पार्टिकल है वो इस वेल के अंदर मूविंग है, जिसकी में पार्टिकल की एनर्जी जो होगी ई होगी। तो यहाँ से अपन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एच। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स। अब देखो, पोटेंशियल वेल जो है वो फाइनाइट डेप्थ का है, मतलब परिमित गहराई का है, तो पार्टिकल इससे बाहर भी आ सकता है। तो पार्टिकल के लिए रीजन तीन होंगे यहाँ, रीजन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, रीजन सेकंड, दिस इज रीजन थर्ड। तो यहाँ पर तीन टाइप की श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी, हर रीजन के लिए अलग अलग बनेगी और तीन ही उसके सोल्यूशन होंगे। तो वी ऑफ एक्स जो है वो इस वेल के बाहर जीरो है, वेल के बाहर जीरो है और वेल की जो डेप्थ है वो -V0 है, मतलब रीजन फर्स्ट में जीरो, रीजन सेकंड के अंदर -V0 और रीजन थर्ड के अंदर जीरो। ये कब होगा, जब एक्स लेस देन -A, क्योंकि ये बाउंड्री -A है तो एक्स लेस देन -A। और यहाँ पर जीरो होगा, ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन ए, दिस इज एक्स ग्रेटर देन ए। और -V0 कब होगा, माइनस और ए के बीच में हो, तो यहाँ पे होगा जब एक्स की वैल्यू -A से तो ज़्यादा हो और +A से कम हो। तो दिस इज रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। तो ये पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वी ऑफ एक्स, वो रीजन तीन के लिए ये होगी, रीजन फर्स्ट के लिए जीरो होगी, रीजन सेकंड में -V0 होगी और रीजन थर्ड में जीरो होगी। अब इसके लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं तीनों रीजन के लिए। तो लिखो श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है अपने पास -H²/2m d²ψ/dx² + v ऑफ एक्स साई
इक्वल्स टू ई साई, माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू हमको रिमूव करते हैं यहां से, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वायर, और ये ई माइनस वी एक्स और साई इक्वल्स टू जीरो। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये अपने सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि पार्टिकल जो है वो इस पोटेंशियल वेल के अंदर अगर मूविंग है तो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये ग्राउंड है। जैसे अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, तो पोटेंशियल वेल जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे है और इसकी जो गहराई है डेप्थ है वो कितनी है, माइनस वी नॉट। तो यहां से अगर कोई पार्टिकल जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो ध्यान रखना है आपको नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ ई, ऐसे लिखना है। इस मोड ऑफ ई का मतलब ये, माइनस का मतलब तो ये है कि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ रह गया वेल विभव कूप, और मोड ऑफ ई लगाया इसका मतलब पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये नेगेटिव साइन इसलिए आया कि पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है साइन कन्वेंशन से, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष पॉइंट यही है कि आप एनर्जी जो पार्टिकल की कंसिडर करते हो, हेयर वी अज्यूम पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको नेगेटिव ऑफ ई लिखना है। अब नेगेटिव ई लिखने का मतलब पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव को कभी आपको एनर्जी को कभी आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। तो दिस इज मोड ऑफ ई। इसमें इस पूरे टॉपिक के अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल की एनर्जी को आपको कंसिडर करना है माइनस मोड ऑफ ई। इसका मीनिंग ये है कि नेगेटिव है तो वो एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है इसलिए, और मोड ऑफ का मतलब है कि ये जो साइन आया है नेगेटिव, ये पार्टिकल की एनर्जी के लिए नहीं आया, ठीक है, खाली डायरेक्शन की वजह से आया कि डेप्थ जो है डेप्थ के अंदर रह गया पार्टिकल नीचे की तरफ इसलिए आया। तो जब भी आपको ई को लिखना हो तो क्या लिखोगे, मोड ऑफ ई, खाली इस टॉपिक के अंदर विशेष है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपन तीनों रीजन के लिए, या तो ऐसे कर लें कि रीजन फर्स्ट के लिए अपन इसको सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन फिर इसका सॉल्यूशन, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड ऑर्डर के लिए, तो तीनों ऑर्डर के लिए पहले इक्वेशन लिखते हैं और तीनों ऑर्डर की फिर एक साथ ही सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, फॉर रीजन फर्स्ट, तो रीजन फर्स्ट के लिए क्या होगा, वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वेयर साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसमें ध्यान ये रखना आपको कि रीजन फर्स्ट में साई को तो आपको रिप्लेस करना है साई फर्स्ट, और वी ऑफ एक्स को क्या मानना है, जीरो, क्योंकि रीजन फर्स्ट के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और साई को किससे रिप्लेस करना है, साई फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे डी स्क्वेयर साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वेयर, वी एक्स जीरो हो गया, और ई को क्या लिखना है, माइनस मोड ऑफ ई, तो हो जाएगा माइनस, दिस इज मोड ऑफ ई, और साई को रिप्लेस करना है साई फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अपन मोस्टली के स्क्वेयर कहते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है डी स्क्वेयर साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस के वन स्क्वेयर साई फर्स्ट, ऐसे। तो इसको आपको अब की बार के वन स्क्वेयर नहीं करना है, क्योंकि मोड ऑफ ई है, अगर खाली ही होता तो इसको अपन क्या कहते हैं, के वन स्क्वेयर, और के की वैल्यू क्या आती है, टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वेयर, तो इसको अल्फा बीटा कुछ अलग देते हैं, देखो। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी स्क्वेयर साई फर्स्ट बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस, दिस इज अल्फा स्क्वेयर साई फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। और यहाँ पर जो अपना अल्फा है वेहर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 2m मोड ऑफ e अपॉन एच कट स्क्वेयर। बाकी अपन इसको कॉन्स्टेंट के वन स्क्वेयर के टू स्क्वेयर कुछ मान सकते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर के स्क्वेयर अपना होता है जिसमें मोड ऑफ e नहीं आता, रूट टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वेयर आता है, इसलिए ये अलग है थोड़ा सा, तो इसको अलग कोफिशियंट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब अपन करते क्या कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसके बाद में मानेंगे, पहले रीजन
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए अपन क्या करते हैं, पहले श्रोडिंगर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, और तीनों के सॉल्यूशन, और या अपन साथ साथ सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। देखो तो इसके नीचे लिख दो, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट द जनरल सॉल्यूशन, माना इसका सामान्य हल, लेट द जनरल सॉल्यूशन। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर को अपन मानते हैं कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर, साई फर्स्ट बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो, तो इट मीन्स डी स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू जीरो, तो डी के दो मान आएंगे प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर साई फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा, साई फर्स्ट इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये आ गया अपने पास साई फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये अपने पास है साई फर्स्ट का सॉल्यूशन, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है। अब रीजन सेकंड के लिए अपन लिखते हैं, देखो फॉर रीजन सेकंड, और रीजन सेकंड जो है उसके लिए अपने को क्या करना है, साई को रिप्लेस करना है साई सेकंड, और वी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस वी नॉट, वी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस वी नॉट। अपने मेन जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसमें साई को आपको लिखना है साई सेकंड, और वी ऑफ एक्स को क्या लिखना है, माइनस वी नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर साई सेकंड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वेयर, ई को अपने को लिखना है मोड ऑफ ई, और माइनस वी ऑफ लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस वी नोट साई सेकंड इक्वल्स टू जीरो। अब इसको अपन अलग कॉन्स्टेंट कहते हैं, तो इसको अपन लिखते हैं डी स्क्वेयर साई सेकंड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, इसको कह देते हैं बीटा स्क्वायर साई सेकंड इक्वल्स टू जीरो। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन नंबर फोर, वेहर बीटा किसको लिखा अपन ने, बीटा इक्वल्स टू है अंडर रूट टू एम मोड ऑफ ई प्लस वी नोट और अपॉन एच कट स्क्वायर। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी अपने को सॉल्यूशन मानना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, लेट द जनरल सॉल्यूशन अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है, साई फर्स्ट में अपने ई की पावर एक बार पॉजिटिव अल्फा एक्स एक बार नेगेटिव अल्फा एक्स, इसका सॉल्यूशन कैसे मानोगे बताओ। मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल डेप्थ के अंदर हो तो सॉल्यूशन आपको ई की पावर में नहीं मानने हैं, किसमें मानने हैं, साइन और कोस में। देखो यहां पार्टिकल बाहर है, यहां पार्टिकल बाहर है, डेप्थ के अंदर पार्टिकल है, तो इसका सॉल्यूशन अपन ई की पावर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव में मानेंगे, इसमें भी एक बार ई की पावर पॉजिटिव एक बार नेगेटिव मानेंगे, लेकिन जब पार्टिकल डेप्थ के अंदर होता है तो उसका सॉल्यूशन साइन और कोस में कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टिकल क्या है कि डेप्थ के अंदर है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कंसिडर करेंगे, साई सेकेंड इक्वल्स टू एर बी कॉन्स्टेंट आ गए तो सी, इसको लिखेंगे साइन के के एक्स होता है, के नहीं है अब की बार बीटा है, तो साइन बीटा एक्स और प्लस डी कोस बीटा एक्स, ये सॉल्यूशन है। तो इसका थोड़ा सा रिमेंबर यानी ध्यान रखना कि जब भी पार्टिकल डेप्थ के अंदर होगा तो सॉल्यूशन अपन साइन और कोस में मानेंगे, जनरली अपन क्या मानते हैं ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, तो ए और बी की जगह तो सी और डी ले लिए, और के की जगह कोफिशियंट कितना अपना कॉन्स्टेंट
बीटा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली फॉर रीजन थर्ड, तो रीजन थर्ड में आपको साई को रिप्लेस करना है साई थर्ड से, और वी ऑफ एक्स जो है वो जीरो है, वी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, जीरो है। तो पार्टिकल का जो बिहेव है वो रीजन फर्स्ट की तरह ही होगा, क्योंकि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स का मान रीजन फर्स्ट में भी जीरो था और रीजन थर्ड में भी क्या है, जीरो है। तो इसकी तरह ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। खाली ध्यान ये रखना है साई फर्स्ट की जगह क्या रख देंगे, साई थर्ड, ए और बी की जगह कॉन्स्टेंट को अलग रख देंगे। तो यहाँ साई थर्ड का जो सॉल्यूशन आएगा, साई थर्ड इक्वल्स टू ए बी सी डी हो गए, अपन मान लेते हैं एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा। इसको रीजन फर्स्ट की तरह ही लिखा अपने, क्योंकि रीजन फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ये अपने हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो तीनों जो सॉल्यूशन है उनको अपने एक साथ लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखो तो तीनों सॉल्यूशंस को एक साथ लिखिए, नीचे लिखना आपको ऑल सॉल्यूशंस आर, एक तो साई फर्स्ट आया है, साई सेकंड और साई थर्ड, और इन पे बाउंड्री कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। साई फर्स्ट की वैल्यू है अपने पास ए ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। साई सेकंड की सॉल्यूशन आया अपने सी साइन बीटा एक्स, सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स। साई थर्ड की वैल्यू आई है अपने पास एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये अपने पास सॉल्यूशन आ गई थी। अब इस पे अपन बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। तो नीचे लिखो नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इसकी पर्टिकुलर है, और विशेष ध्यान रखना कि बाउंड्री के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन साई क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ये कंडीशन होती है कि एट बाउंड्री साई शुड बी जीरो। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको अपन जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो बाउंड्री अपने पास दो है, देखो एक तो x इक्वल्स टू माइनस ए पे है और एक x इक्वल्स टू प्लस ए पर है, और ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम है, v ऑफ x बीच में होता है इसके। तो इसके इस साइड वाले रीजन को x को रिप्लेस करें माइनस इनफाइनाइट से, इस रीजन वाले में x को रिप्लेस करेंगे प्लस इनफाइनाइट से। देखो मैं x को अगर माइनस इनफाइनाइट से रिप्लेस करूं, माइनस इनफाइनाइट का मतलब ये कि माइनस ए और ए के बीच में रह गया जीरो, तो इस वाले रीजन में माइनस इनफाइनाइट कंसिडर करना है एक्स की वैल्यू, और इस वाले रीजन में प्लस, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं ना उसमें, तो इसमें माइनस इनफाइनाइट और इसमें प्लस इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब कि रीजन फर्स्ट और बीच में सेकंड और ये रीजन थर्ड, तो रीजन जो फर्स्ट है उस रीजन फर्स्ट में जब मैं एक्स को माइनस इनफाइनाइट लिखूं तो उस कंडीशन में साई क्या होना चाहिए, जीरो, और रीजन थर्ड में जब मैं एक्स को रिप्रेजेंट करूं प्लस इनफाइनाइट से तो साई जीरो होना चाहिए। तो इनमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखना है। एक्स इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट यानी किस पे अप्लाई होगा, साई फर्स्ट साई थर्ड या साई सेकंड पे, माइनस इनफाइनाइट ये रीजन रह गया माइनस वाला, तो साई फर्स्ट पे होगा। तो कहने का मतलब एक्स को आप माइनस इनफाइनाइट लिख के देखो, तो एक्स को मैं माइनस इनफाइनाइट लिखूंगा तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट रखूंगा और माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हालांकि बाउंड्री पे होना कैसा चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कोफिशियंट b की वैल्यू क्या होगी,
जीरो। तो एक्स को जब मैं माइनस इन्फाइनाइट लिखूंगा तो कोफिशियंट बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको जीरो माने, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहती है कि जब भी आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो बाउंड्री के ऊपर आपको कोफिशियंट को जीरो होना पड़ेगा। जब मैं x इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट साई फेस्ट पे अप्लाई करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट ये तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा, तो इसको अपन जीरो मान लें, तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन अपन लगाएं, दूसरी किस पे लगेगी, x टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट पे, तो प्लस इन्फाइनाइट के ऊपर मतलब साई थर्ड की बात कर रहे हैं, इस पे तो कोई बाउंड्री नहीं लगेगी, ये तो बाउंडेड है, इसके अंदर है, ठीक है। एंड x टेंस टू इन्फाइनाइट, जब x टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो एक यहाँ से जीरो हो जाएगा, आप इन्फाइनाइट रखोगे तो e की पावर इन्फाइनाइट का मान इन्फाइनाइट होता है और होना कितना चाहिए, साई शुड बी जीरो, तो जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, करके देख लो आप। x को जब इन्फाइनाइट रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो होता है, ये सेटिस्फाई, तो इसमें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा और इसमें ये नहीं कर रहा, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ कौन जीरो हो जाएगा, f जीरो हो जाएगा। इसकी बाउंड्री ध्यान रखना, लेकिन बाकी टॉपिक्स के अंदर अपन क्या लगते हैं कि बाउंड्री माइनस ए प्लस ए ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन जो है वो डेप्थ वेल पोटेंशियल वेल के अंदर माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट पे आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बचेंगे अपने, तो अपने सॉल्यूशन जो बचेंगे ये बचेंगे, एक तो साई फर्स्ट बच गया, साई फर्स्ट, साई सेकंड, देन साई थर्ड। तो साई फर्स्ट बी तो जीरो हो गया, क्या बचा, ए, ई रेज टू अल्फा एक्स, साई सेकंड ऐसा कैसा है, सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कोस बीटा एक्स, साई थर्ड एफ जीरो हो गया, जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हो गए, ये अपने सॉल्यूशन हो गए। अब इस पे ये बाउंड्री लगानी है, ठीक है। तो बाउंड्री अपन लगाएं एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पर, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए के ऊपर, तो माइनस ए के ऊपर इस रीजन में आपका वेव फंक्शन साई फर्स्ट है, इस रीजन में साई सेकंड है, इस रीजन में साई थर्ड है। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पर कौन कौन बराबर होगा, साई फर्स्ट बराबर होगा किसके, साई सेकंड के, यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए के ऊपर साई फर्स्ट इक्वल होगा साई सेकंड के, यानी एक्स को क्या रखना है, माइनस ए, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, ये अपने सॉल्यूशन है साई फर्स्ट, साई सेकंड, साई थर्ड। तो एक्स को आपको माइनस ए लिखना है और साई फर्स्ट को साई सेकंड के इक्वल करना है, तो साई फर्स्ट को सेकंड के इक्वल करो और जहां भी एक्स दिखाई दे रहा है उसको माइनस ए लिखो, तो ये हो जाएगा ए ई की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल सी साइन बीटा, एक्स को क्या रखना है, माइनस ए, प्लस डी कोस बीटा, एक्स को क्या रखना है, माइनस ए। तो ये हो गया अपने पास ए ई की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू, अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस सी साइन बीटा ए, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो प्लस डी कोस बीटा ए। इसको नेक्स्ट इक्वेशन कर देना, इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है, सेवन, इक्वेशन नंबर सेवन। अगर साई फर्स्ट साई सेकंड के बराबर है तो इसके डिफरेंशिएशन भी बराबर होंगे, एंड डी साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स इक्वल होगा डी साई सेकंड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। इसका मीनिंग है कि साई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, साई सेकंड का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां भी एक्स दिखाई दे उसको माइनस ए से रिप्लेस कर दो। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, साई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अल्फा ए ई की पावर अल्फा और एक्स को क्या लिखना है, माइनस ए इक्वल होगा, साई सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो सी कॉन्स्टेंट है, साइन बीटा एक्स का क्या होगा, कोस बीटा एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर बीटा एक्स का क्या होगा, बीटा, तो सी और बीटा दोबारा जाएंगे, सी
बीटा और साइन का होगा कोस, कोस बीटा एक्स को क्या लिखना है माइनस ए, तो एक्स को माइनस ए लिखोगे तो कोस में कोई फर्क पड़ता है क्या माइनस का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीटा ए। फिर इसका करेंगे अपन प्लस, कोस का होगा माइनस साइन, तो दिस इज माइनस डी और बीटा, और साइन को जब साइन बीटा एक्स लिखेंगे, एक्स को माइनस ए लिखेंगे तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा प्लस डी बीटा और साइन बीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। ऐसे ही अब अपने को नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगानी है एट एक्स इक्वल्स टू प्लस ए। नाउ एट एक्स इक्वल्स टू प्लस ए, तो प्लस ए के ऊपर कौन कौन बराबर होंगे, साई सेकंड बराबर होगा किसके, साई थर्ड के, साई सेकंड इक्वल होगा साई थर्ड के एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो सेकंड और थर्ड को बराबर करो और एक्स की जगह ए रखना है, तो सी साइन बीटा ए, सी साइन बीटा ए प्लस डी कोस बीटा ए इक्वल होगा साई थर्ड, साई थर्ड है जी ई की पावर माइनस अल्फा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ये बराबर है तो इनके डिफरेंशिएशन भी इक्वल होंगे एंड डी साई सेकंड बाई डी एक्स इक्वल होगा डी साई थर्ड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए। सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी फिर बीटा कांस्टेंट, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस बीटा और एक्स को लिखना ए, फिर प्लस डी इसका ये बीटा बाहर आ जाएगा, कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन बीटा एक्स की जगह लिखना ए इक्वल इक्वल होगा साई थर्ड का डिफरेंशिएशन, साई थर्ड का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस अल्फा जी ई रेज टू माइनस अल्फा ए। इक्वेशन नंबर 10 यही होगा डिफरेंशिएशन। अब अपने पास चार इक्वेशन आ गई 7, 8, 9, 10, तो इन चारों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। इन चारों इक्वेशन को सोल्व करना है, देखो एक बार तो देखो इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 7 और 9 का बनाना है, 8 और 10 का बनाना, करना क्या है वही कंडीशन है, 7 और 9 को एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, फिर 8 और 10 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तो इसको अपन करेंगे। नाउ 7 प्लस 9, 7 और 9 को जोड़ो, तो 7 और 9 को अपन जोड़ेंगे तो इधर देखो इसमें ये कंडीशन है ए ई की पावर माइनस अल्फा, इसमें क्या है जी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा ए, जोड़ेंगे तो कॉमन क्या आएगा ई की पावर माइनस अल्फा ए, अंदर क्या बचेगा ए प्लस जी, तो ये बच जाएगा ए प्लस जी और ई की पावर माइनस अल्फा ए कॉमन आ जाएगा, इक्वल में इसके सी साइन बीटा ए डी कोस बीटा ए और इसके माइनस सी साइन बीटा ए डी कोस बीटा ए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा साइन वाला क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ डी कोस बीटा और डी कोस बीटा 2d cos बीटा, तो 2d cos बीटा, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 11। 7 प्लस 8 कर दिया, अब क्या कर रहा है 7 माइनस 9, 7 में से 9 को घटाना है, तो 7 में से 9 को आप घटाओगे तो क्या इफेक्ट होगा, वही होगा ये a प्लस जी की जगह क्या जाएगा a माइनस जी, भाई घटा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा a माइनस जी e की पावर माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू
इसमें से सात में से नौ को घटाना है, तो सात में से नौ को आप घटाओगे तो ये डी, अब की बार कोस बीटा ही कट जाएगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस लगेगा, माइनस इसके है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू सी साइन बीटा, इक्वेशन नंबर 12। अब ये तो सात और नौ का काम हो गया, अब अपने को करना आठ और दस का, ऐसे एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। अब अपने को करना है आठ और दस को ऐड करना है, तो आठ और दस को ऐड करेंगे तो ये टर्म अल्फा ए इंटू ई की पावर माइनस अल्फा ए, और दस में माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस अल्फा, तो कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है और ई की पावर माइनस अल्फा ए आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा ए और माइनस वहां जी, तो क्या बचेगा ए माइनस जी, कॉमन क्या रहा है अल्फा रहा है और ई की पावर माइनस अल्फा ई, तो अंदर यहां प्लस का ये बचेगा और माइनस का जी, ठीक है इक्वल्स टू इसमें से ये घटा इसमें इसमें ये ऐड करना है तो ये डी वाली टर्म कट जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये डबल हो जाएंगे, तो ये डबल हो गया क्या हो जाएंगे टू सी बीटा कोस बीटा ही, इक्वेशन थर्ड। अब करना है आठ माइनस दस, आठ में से दस को घटाना है, तो आठ में से दस को घटाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा ए प्लस जी और अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए कॉमन इक्वल्स टू इसमें से इसको घटाना है, तो घटाओगे तो ये नेगेटिव होगा, ये कट जाएगा अगली बार, और ये माइनस माइनस करोगे तो प्लस डबल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू डी बीटा और साइन बीटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 14। तो ये इक्वेशन नंबर 14 है, तो ये चार इक्वेशन आ गई अपने पास। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं अपन, आ गए नहीं चारों समझ में, ये चार इक्वेशन कैसे आ गए अभी समझ में। अब देखो दो तो इसमें ए प्लस जी की है, और दो इसमें ए माइनस जी ए माइनस, तो अपन सेम का कंपेयर बनाएंगे, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करना है कि कौन से को किससे करना है, तो ध्यान रखना ए प्लस जी वाले टर्म को ए प्लस जी वाले से डिवाइड करना है और ए माइनस जी वाले टर्म को ए माइनस जी से डिवाइड करना है, तो आप 11 और 14 का कॉम्बिनेशन बनेगा और 12 और 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो अपन यहां से इनको सोल्व करते हैं, देखो तो अब अपन क्या करेंगे, एक तो 14 में 11 का भाग देंगे, नाउ 14 डिवाइडेड बाय 11, तो 14 में 11 का भाग देंगे तो ये a प्लस जी कट जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा ए से e की पावर माइनस अल्फा ए कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, तो दिस इज अल्फा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2d से 2d कट जाएगा, और ये क्या बचेगा एक तो बीटा और साइन बटा कोस, साइन बटा कोस क्या होता है टेन बीटा, दिस इज टेन बीटा, एक तो अल्फा की वैल्यू आ गई है अपने पास, एंड एक इनका अपने को डिवाइडेशन करना है कि 13 में भाग दें किसका 12 का, तो 13 को डिवाइड करना है इक्वेशन 12 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो a माइनस जी से a माइनस जी कट जाएगा, e की पावर माइनस अल्फा से अल्फा ही कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू यहां 2c से 2c कट जाएगा माइनस का आएगा माइनस, और बीटा और कोस बटा साइन क्या होता है कोट, तो दिस इज कोट बीटा, एक अल्फा की वैल्यू है। अब बताओ ये अल्फा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल है क्या, अल्फा क्या एक कॉन्स्टेंट माना था अपन ने, तो उसकी दो वैल्यू तो एक साथ पॉसिबल है ही नहीं, तो इन इक्वेशन को अपन बोलते हैं एबीजीए समीकरण, कौन से समीकरण बोलेंगे एबीजीए समीकरण, ठीक है ट्रांसडेंटल इक्वेशन से, दो दोनों एक साथ वैध नहीं होती, ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो आप ये दोनों समीकरण
अबीजीय समीकरण कहलाते हैं। दीज इक्वेशंस आर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जो दोनों एक साथ वैध नहीं है, क्योंकि अल्फा के दो मान पॉसिबल नहीं है। दीज इक्वेशन डज नॉट वैलिड एट ए टाइम, जो एक साथ वैध नहीं होते, क्योंकि अल्फा के दो मान संभव नहीं है। क्योंकि अल्फा के दो मान संभव नहीं है, तो ये टॉपिक अपना यहीं तक है। एक अल्फा इक्वल्स टू बीटा टाइन बीटा ए, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा कोट बीटा ए, इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन।